यूसीसी को लेकर आज दोबारा फिर बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पे ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल ऑन लॉ बोर्ड ने मसौदे पर चर्चा हुई। सर आज दोबारा फिर बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या रहा मसौदे पर चर्चा? जानते हैं आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें यूसीसी के मुद्दे को डिस्कस किया गया और इसमें क्या तय हुआ, क्या बात हुई, इस पर बोर्ड की तरफ से डिटेल प्रेस नोट जारी किया जाएगा। लगातार बैठक हो रही है, दूसरी तरफ सर कहा जा रहा है यूसीसी में शरीयत का भी कुछ पार्ट लिया जाएगा। उधर सुशील मोदी जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने आदिवासी को यूसीसी में कुछ छूट देने की बात की, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी किसी को नहीं मालूम है। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक है तो हम सब ये मानते हैं कि पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का हिस्सा है और जिसकी बुनियाद कुरान और हदीस पर है। मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें आपको सबको अपने मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है, उसका फंडामेंटल राइट करार दिया है। लिहाजा ये बुनियादी हक हमसे या आपसे किसी से भी हुकूमत को नहीं छीनना चाहिए। पर सुशील मोदी ने जो बयान दिया आदिवासी को लेकर, जो भी छूट देने की बात की यूसीसी में, उसको कैसे देखते हैं आप? हम लोग बेसिकली यूसीसी के खिलाफ ही हैं, तो उसमें किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं ये सेकेंडरी हो जाता है। यूसीसी के मुल्क में कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं। तो आने वाले समय में यूसीसी लागू भी किया जाएगा, क्या आप कौन सा रास्ता, क्या आप कोर्ट के थ्रू भी आप जाएंगे या फिर डायरेक्ट विरोध करेंगे? यूसीसी लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा अभी तक तो कुछ बना ही नहीं है और कोई चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। एक आखिरी सवाल, आरिफ मोहम्मद हैं, राज्यपाल हैं केरल के, तो उन्होंने एक बयान दिया कि जो ये शरीयत कानून है ये इनके खुद के बनाए और ये वही कानून को खुदा कानून बनाते मानते हैं, ये आरिफ मोहम्मद का। देखिए, जो आदमी जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो, जो जाहिर सी बात है उसी से राय ली जाती है। जहाँ तक मुस्लिम पर्सनल लॉस का सवाल है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉस के सिलसिले में जो उलमा हैं वही सही बात बता सकते हैं, और हम लोगों को यही बात उलमा ने बताई है कि, और किताबों में भी लिखा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इस्लामी शरीयत का हिस्सा है और इस्लामी शरीयत की बुनियाद कुरान और हदीस है और ये बात एकदम साबित शुदा है। लिहाजा ये बात कहना कि कुरान और हदीस का हिस्सा नहीं है बल्कि हमने या आपने बनाया है, ये बात मुनासिब नहीं। तो ये हमारे साथ थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद रंगी महली, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में इसकी मुखालफत की जाएगी और नाराजगी भी व्यक्त करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अरशद खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।